में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका और देखते हैं आज की ताजा खबर। मधुबनी नरसंहार के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खड़ी खोटी सुनाई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को मधुबनी नरसंहार की जवाबदेही लेनी चाहिए। और हमको जहां तक लग रहा है, नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, और जो 40 सीट पर आ गए हैं, हालांकि 35 ही सीट था, वो तो चुनाव आयोग के नतीजे में आ गया 40 सीट, हमको लगता है डिप्रेशन के दौर में गुजर रहा है, भारी डिप्रेशन में। 15 साल के इतिहास में, 15 साल में जितना जेडी ऑफिस नहीं गए होंगे उतना हम उनको इस कुछ चंद महीनों में घुमा दिए। अब बताइए, मेरे जाने के बाद हमको सूचना, अभी आज अभी खबर आ रहा है, हमको किसी ने बताया गिरफ्तारी हुई, तो इनको तो ऐसे ही नचाना पड़ेगा। अगर हम जाते नहीं तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा। केवल जो संगठन चला रहा है प्रवीण झा, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इसमें वहां के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद नारायण झा, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई थी वहां के फोन पे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची है। What does it mean? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की, आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं। क्या कहा, प्रयास अगर हमने किया तो साथ किसी का हत्या तो कर रहे हो ना भाई, चुनाव के दौरान भी मेरे पे हत्या का आरोप लगा, क्या हुआ? ये लोग चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में ये लोग डराने धमकाने वाला काम करते हैं, लेकिन इन लोगों से कोई डरने वाला, इन लोगों को नचाने का काम करना है।